हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नई पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द बॉल पोएम। आप देख सकते हैं इसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है, द बॉल पोएम। और इस पोएम को आप लोगों को एक कंसिस्टेंट और अटेंटिव वे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भले ही ये बहुत ही आसान शब्दों में लिखी हुई है पर इसका सेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये देखिए, इसके पोएट का नाम याद रखिएगा, जॉन बेरेमन। पूछा जा सकता है आपसे आपकी बोर्ड क्लासेस में या फिर आपके टेस्ट्स में, जॉन बेरेमन इसके पोएट का नाम है। अब चलिए चलते हैं इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट की ओर, इसके बैकग्राउंड की ओर, समझते हैं कि ये पोएम हमको क्या कहना चाहती है। अ बॉय लूजेज अ बॉल, देखिए मैं आपके सामने इस पोर्शन को पढ़ रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको ये वाला पोर्शन। ठीक है, अ बॉय, एक लड़का है, लूजेज अ बॉल, उसकी एक बॉल खो जाती है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट टू मच, एक बॉल बहुत महंगी नहीं आती, नॉर इज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही कोई दूसरी बॉल खरीदना इतना मुश्किल काम है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, तो फिर वो लड़का इतना अपसेट क्यों है? देखिए यही वो मेन क्वेश्चन है जिसका आंसर कर रही है ये पोएम। ठीक है, वो लड़का इतना अपसेट क्यों है? रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंग्स हैज बीन लॉस्ट, इस पोएम को पढ़कर आप समझिए कि पोएट क्या कहता है कि आखिर उसका क्या, कौन सी चीज़ खोई है, क्या वो बॉल है, उस बॉल से जुड़ी हुई कोई और भी चीज़। एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और ये अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा इसी पोएम का, कि उस लड़के को क्या सीखना है किसी भी चीज़ को खोने के बाद में। देखिए ऐसा है, इस दुनिया में ये दुनिया पजेशन की है, चीज़ों को अपना बनाने की दुनिया। हर कोई चाहता है मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, हर कोई चाहता है कि सब कुछ मेरा हो। ठीक है, तो इस दुनिया में, ऐसी पजेसिव दुनिया में अक्सर चीज़ें मिलती रहती हैं, चीज़ें खोती भी रहती हैं, पर क्या जो चीज़ खो गई है हमेशा उसके लिए ही परेशान रहना उचित है? क्या ये ठीक है क्या हमेशा अपने पास्ट या फिर अपनी अच्छी मेमोरियाँ जो कि बीत चुकी हैं उन मेमोरीज से जुड़े रहकर ही दुखी होना ठीक है या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए? बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन, आगे बढ़ते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। अगर आप एक जगह रुके रहेंगे तो आप अपने आप को ही दुखी करेंगे और अपने आप को ही नुकसान पहुँचाएंगे और अपनी ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक है, इसी चीज़ को, इसी स्ट्रॉन्ग मैसेज को बहुत ही ईजी वर्ड्स के साथ में यहाँ पर जॉन बेरेमन ने समझाने की कोशिश की है। चलिए पोएम को पढ़ते हैं, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। आइए, व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वो लड़का क्या है, यानी अब उस लड़के का क्या हाल है? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जो कि अपनी बॉल को खो चुका है। वो लड़का क्या है जो कि अपनी बॉल को खो चुका है, उस लड़के का क्या हाल है? What is he to do? अब वो क्या करेगा बॉल के खो जाने के बाद, वो क्या करेगा? I saw it go, यहाँ पर I कौन है? I यहाँ पर है poet, John Berryman कहते हैं I saw it go, मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा, merrily, खुशी खुशी, मैंने खुशी खुशी उस बॉल को जाते हुए देखा, bouncing, उछलते हुए down the street, गली के उस ओर, एंड देन मेरीली ओवर, और फिर खुशी खुशी उस पार, देयर, वहाँ पर, इट इज़ इन द वॉटर, वो बॉल अब पानी में है, वो बॉल अब पानी में है। देखिए पानी जो है उसको यूनिवर्सल डिजॉल्वर बोला जाता है, वो डिजॉल्व कर देता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो वो बॉल पानी में है, यानी वो हमेशा हमेशा के लिए वो बॉल जा चुकी है। देखिए जॉन बेरेमन ने यहाँ पर बॉल के जाने की जो प्रोसेस बताई है उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है, तो इन दो लाइनों को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने उस बॉल को खुशी खुशी उछलते हुए गली के उस ओर जाते देखा, फिर वो सीधी वहाँ पानी में है, वहाँ पानी में चली गई। ठीक है, आगे वो कहते हैं नो यूज़ टू से, ये कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओह There are other balls. Oh, there are other balls. ये जो लाइन है इस लाइन को आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ठीक है, ओ देर आर अदर बॉल्स, अरे बॉल्स तो और भी हैं, यानी जो चीज़ खो गई है उसके अलाइक, उसके सिमिलर तो चीज़ें और भी हैं। बॉल तो केवल एक सिंबल है, एक पजेशन का, जो कि पोएट यहाँ पर यूज़ कर रहा है आप लोगों को मैसेज देने के लिए। ठीक है, ये बात कहने का कोई अर्थ नहीं है कि बॉल्स और भी हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय,
एक अल्टीमेट, एक गहरा शेकिंग यानी झकझोर देने वाला ग्रीफ यानी दुख फिक्सेस घर कर लेता है द बॉय, उस लड़के के अंदर। उस लड़के के अंदर एक हमेशा के लिए झकझोर देने वाला गहरा जो दुख है वो घर कर लेता है उस लड़के के अंदर, ठीक है। एज ही स्टैंड्स, जब वो खड़ा हुआ है रिजिड, कठोर सा, ट्रेम्बलिंग, कप कपाता हुआ। ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या है? कप कपाता हुआ। जब वो कठोर सा कप कपाता हुआ खड़ा हुआ है, स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग यानी घूरते हुए, स्टेयर का मतलब होता है गेज करना, ठीक है, यानी टकटकी लगा कर देखना, एक निगाह देखते रहना किसी भी चीज़ को। जब वो कठोर सा कप कपाता सा घूरता हुआ खड़ा हुआ है, ऑल हिज यंग डेज, यहाँ यंग डेज का मतलब क्या है? यंग डेज का मतलब यहाँ पर है चाइल्डहुड। क्या मतलब है? चाइल्डहुड, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। ऑल हिज यंग डेज, उसका पूरा बचपन, इन टू द हार्बर, हार्बर होता है डॉक, डॉक यानी जहाँ पर शिप्स जो हैं आकर उतरती हैं और खड़ी की जाती हैं, ठीक है। उसका पूरा बचपन उसी हार्बर यानी उसी डॉक पर बीता, वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी वो बॉल चली गई, ठीक है, वहीं पर उसका पूरा बचपन बीता है उसी बॉल के साथ जहाँ पर अब उसकी बॉल जा चुकी है। तो यहाँ तक पोएट ने बताया हम लोगों को कि किस तरह से उस लड़के की हालत है, कितना परेशान है, कितना दुखी है, और उसके अंदर किस तरह के एक दुख ने घर कर लिया है, किस तरह से उसकी बॉल अपने आप खुशी खुशी उछलती हुई पानी में चली गई, और अब उस लड़के की क्या हालत है। आगे वो कहता है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब क्या होता है? घुसपैठ करना, ठीक है। इसको हम इस तरह से समझते हैं, टू एंटर विदाउट परमिशन, ठीक है, टू एंटर विदाउट परमिशन। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसमें घुसपैठ नहीं करूंगा, यानी उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं उसको छेड़ूंगा नहीं। वो अभी एक दुख में है, एक सिचुएशन में है, एक मेंटल स्टेट में है, अपने बॉल को खो जाने के बाद में, मैं उसमें किसी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करूंगा। अ डाइम, डाइम एक करेंसी है, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अ डाइम, एक डाइम की, अनदर बॉल, एक और दूसरी बॉल, वर्थलेस, बेकार है, यानी एक डाइम खर्च करके एक और बॉल खरीद भी ली जाए तो वो बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि वो बॉल उसके इक्वलेंट नहीं हो सकती जो बॉल खोई है, क्योंकि उस बॉल के साथ में उसने अपना बचपन बिताया है, एक अच्छा खासा समय बिताया है, बहुत आनंद का समय बिताया है, ठीक है। जैसे एक बच्चे का खिलौना टूट भी जाता है, वो रोता रहता है, खाना पीना छोड़ देता है, उसके लिए दूसरा खिलौना ला के भी रख दो ना अभी, तो वो एकदम से खुश नहीं होगा, क्योंकि उसका उस खिलौने से बड़ा लगाव था, ठीक है। नाउ ही senses फर्स्ट responsibility इन अ वर्ल्ड ऑफ possession, ठीक है। यहां पर सेंस का मतलब क्या होता है? सेंस का मतलब है अंडरस्टैंड करना, ध्यान रखिएगा, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। नाउ ही अंडरस्टैंड्स, अब वो समझता है, क्या समझता है? फर्स्ट responsibility, अपनी पहली जिम्मेदारी को, इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशन। ये जो वर्ड दिया है वर्ल्ड ऑफ पजेशन, आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी शुरू में भी बोला था इस चीज को, वर्ल्ड ऑफ पजेशन का मतलब क्या है? एक ऐसी दुनिया जहां पर लोग चीजों को केवल अक्वायर करने के लिए भाग रहे हैं, चाहे चीजें हों, लोग हों, रिश्ते हों, चाहे जगह हो, चाहे कुछ भी हो, लोग केवल उसको अक्वायर करना चाहते हैं। तो ऐसे वर्ल्ड ऑफ पजेशन में, ऐसी मतलब पजेसिव दुनिया में, ऐसी पजेसिव दुनिया में वो पहली बार बॉल के खो जाने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, ठीक है। वो समझता है पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स यहाँ पर उन सब पजेसिव, उन सब मटीरियल चीज़ों को सिंबलाइज करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीपल, लोग जो हैं दुनिया में, जो लोग हैं, विल टेक बॉल्स, वो बॉल्स लेंगे यानी पजेशन करेंगे मटीरियल चीज़ों का, ठीक है। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो चीज़ें हमेशा खोएंगी भी, क्योंकि एक चीज़ हमेशा आपके पास नहीं रह सकती। गीता सार में भी क्या कहा गया है? जो आज मेरा है वो कल तुम्हारा होगा, कल किसी और का हो जाएगा, ठीक है। परिवर्तन संसार का नियम है, तो यही परिवर्तन, यही जो चेंज है, यूनिवर्सल लॉ है चेंज का, इसी को बताने की कोशिश की है जॉन बेरेमैन ने। उन्होंने कहा है कि लोग बॉल लेंगे और बॉल हमेशा खोएंगी भी, लिटिल बॉय, प्यारे बच्चे, वो उस
बच्चे को एड्रेस करते हुए कहते हैं जॉन बेरेमन कि चीज़ें लोग खरीदेंगे, अपनी बनाएंगे और उनसे चीज़ें खोएंगी भी, ठीक है, फिर कुछ नई चीज़ आएगी। ही इज लर्निंग, सॉरी, एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, यानी कोई भी इंसान एक बार खोई हुई चीज़ को दोबारा नहीं खरीदता। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, कोई भी इंसान एक बार खोई चीज़ को दोबारा नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो है वो एक बाहरी वस्तु है, एक्सटर्नल चीज़ है, वो इंटरनल चीज़ नहीं है। पैसे से आप इंटरनल चीज़ों को नहीं खरीद सकते, यानी उन इंटरनल इमोशंस को आप खरीद नहीं सकते हो। ही इज लर्निंग, वो इस बात को सीख रहा है कि पैसा एक बाहरी चीज़ है और पैसों से उन खुशियों, उन इमोशंस को नहीं खरीदा जा सकता, केवल चीज़ों को खरीदा जा सकता है, चीज़ों से जुड़े हुई भावनाओं को खरीदना नामुमकिन है उस पैसे से। ये बात ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब क्या होता है, निराश, क्या मतलब होता है डेस्परेट का, निराश, यानी कैसी, होपलेस, ठीक है, अपनी होपलेस आइज के पीछे वो इस बात को भली भांति अच्छी तरह से सीख रहा है। होपलेस क्यों है, क्योंकि उसकी बॉल खो चुकी है, वो निराश है, ठीक है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ये जो नियम है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये नीचे लिख रहा है आपके सामने, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, नियम जो है लॉस का, व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग, ठीक है, यानी किसी चीज को खोने का जो अर्थ है, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, एक नियम, खोने का जो, खोने का जो अर्थ है, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इन लाइनों को। ये जो किसी भी चीज को खोने का सेंस है, या फिर एक जो नियम है, एक जो परंपरा है, एपिस्टेमोलॉजी जो है इस चीज़ की, हाउ टू स्टैंड अप, उस समय भी कैसे खड़े रहा जाए, उस समय भी कैसे बने रहा जाए, उस समय भी कैसे स्टैंड अप यानी सर्वाइव किया जाए, जब आप लूजिंग साइड पर हैं, जब आपसे कोई चीज़ खो गई है, उस समय भी कैसे सर्वाइव किया जाए और उस चीज़ को फेस किया जाए। जैसे कि क्रिकेट में एक टीम जीतती है, दूसरी हारती है, तो दूसरा कैप्टन जो हारा है वो भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बात करता है, और वो बताता है कि उसने कैसे इस चीज़ को फील किया और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है अपनी हार के बारे में, अपनी डिफीट के बारे में, या फिर किसी चीज़ को खोने के बारे में, ठीक है, वो मुंह नहीं चुराता, वो बचकर नहीं भागता, ठीक है। तो यही एपिस्टेमोलॉजी है लॉस की, ठीक है, ये जो नियम है खोने का, इसमें कैसे सर्वाइव किया जाए और इसको फेस कैसे किया जाए, नोइंग, ये जानते हुए, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये बात हर एक इंसान को एक दिन जाननी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी अपने जीवन में। जो छोटे हैं वो बड़े होकर सीखेंगे, मैच्योर होकर सीखेंगे, ठीक है, ये चीज़ हर एक इंसान एक दिन सीखेगा, एंड मोस्ट और बहुत से लोग नो मैनी डेज, कई दिनों से, एक लंबे समय से इस बात को जानते हैं कि चीज़ें आएंगी जाएंगी, और उस समय भी जब आप लूजिंग साइड पर हैं तब भी आपको मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है, सर्वाइव करना है। हाउ टू स्टैंड अप को, किस तरह से सर्वाइव करना है, ये बात बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोगों को अभी ये बात जाननी बाकी है, उनके समय आएगा, वो बड़े होंगे, और बड़े होकर जैसे आप हैं, आप लोग हैं, आप सभी बच्चे ये चीज़ आगे चल के सीखेंगे कि कभी भी किसी भी चीज़ से हमेशा के लिए जुड़कर नहीं रहा जा सकता, आप अपने शरीर से भी जुड़कर नहीं रह सकते, तो वो तो चीज़ है, चीज़ें आती जाती हैं, आप वहीं रहते हैं, और आप हमेशा, आपका यही काम होना चाहिए कि अगर आप लूजिंग साइड पर भी हैं तो मुस्कुराकर उसका स्वागत करें, क्योंकि आपके रोने से जो स्थितियाँ हैं वो बदल नहीं जाएंगी, केवल दुख बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जॉन बेरेमन ने बहुत ही शानदार अंदाज में इस पोएम में समझाया है, मैंने एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको दिया वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। तो इस पोएम को एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।